हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक दिवाली क्राफ्ट जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो मैंने इसे वेस्ट जो हमारे मैक्रम बच जाते हैं मैंने उससे बनाया हुआ है। छोटे छोटे मैक्रम हो जाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ होता है, तो मैं उसे लाइटर के हेल्प से जोड़ रही हूँ और जोड़ के एक लंबा सा थ्रेड बना लिया है। और ये देखिए, मैंने ले लिया है चूड़ियाँ जो हो गई थी बेकार। तो अब इस मैक्रम को मैं इस चूड़ी पर लपेटना स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर आप गोटा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पुरानी बची हुई ऊन ले सकते हैं, उससे भी इसे आप पूरा कवर कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरा कंप्लीट हो गया है रेड कलर से, मैक्रम से। और अब मैं इस पर लपेटना स्टार्ट कर रही हूँ गोटा, जिससे मैं यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बना रही हूँ क्रॉस में। और ये देखिए, मेरा ये पूरा पूरा इसी तरह मैं करते करते धीरे धीरे आपको राउंड राउंड घुमाना है। तो ये आपकी एक प्यारी सी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। और जो बचा हुआ गोटा है उसे मैंने पीछे यहाँ पर फिक्स कर लिया है। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा बन के रेडी हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसे चूड़ियों से बनाया है। और मैंने बहुत सारे बना लिए थे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लेस रखी हुई थी, मेरे पास ये भी बची हुई लेस थी, तो मैंने इसे, ये बहुत पतली थी इसलिए मैंने इसको दो लेस लेकर इसे बीच से सिलाई लगा दी थी और पीछे से एक कपड़ा लगा दिया है ताकि इसका बेस बन जाए। अब ये प्यारा सा एक हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक कागज़ लिया था मैंने और उसमें मैक्रम से मैंने गोल गोल ग्लू लगा के यहाँ पे स्टिक कर दिया है। और इसके ऊपर एक मिरर लगाऊंगी। ये जो हमने चूड़ी वाला बनाया था ना, उसके बीच में मिडिल में इसको मैं स्टिक कर रही हूँ ताकि ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट सी लगे। और अब इस चूड़ी वाले डिज़ाइन को हम यहाँ पर लेस के साथ गोटे की हेल्प से यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं और थोड़े थोड़े दूर पे गैपिंग पे हम इसे लगाएंगे। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब मैंने लिया है गोल्डन कलर की बीट्स और एक मैंने लिया है बड़ी वाली मोती। इसे भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, इसकी एक वीडियो बनाई है मैंने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने मोतियों में लगा के यहाँ पे पीछे यहाँ पे स्टिक कर लिया है दो चूड़ी वालों चूड़िया डिज़ाइन के बीच में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर सारे में लगा लिया है। अब देखिए, हमारी लेस में जो थी वो थोड़ी काफ़ी थोड़ी हल्की लग रही थी, खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया है। डायमंड शेप के मिरर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। जो हमने मोती का जो लगाया हुआ है लटकन, वहाँ पे मैंने बड़े डायमंड शेप के मिरर यूज़ किए हैं। और जहाँ पे हमारा चूड़ी वाला है उसके ऊपर मैंने छोटे डायमंड वाले शेप के मिरर यूज़ किए हैं। और अब देखिए, ये तुम्हारा हमारा डिज़ाइन काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। और मैंने लास्ट में यहाँ पे इसका हुक भी बनाया है, ये भी मैंने लेस से ही बनाया है। लेस को कट करके यहाँ पे सिलाई लगा दी है ताकि ये मज़बूत हो जाए। तो बस देखिए, हमारा प्यारा सा वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो गया है। तो इस दिवाली क्यों ना हम बची हुई लेस से अपने घर को सजाएं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।